नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड गिव अवे करने वाला हूँ दो बहुत ही एक्यूरेट किचन डिजिटल वेट स्केल का, जो ये रहा। ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट है और दाम भी सेम है, पर इसमें एक डिफरेंस है। वो जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, और जो ये मैं गिव अवे कर रहा हूँ उसका टर्म्स एंड कंडीशन जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आज मेरे पास है दो बहुत ही एक्यूरेट किचन डिजिटल स्केल। ये दोनों देखने में सेम है और मॉडल भी सेम है, इसका पैकेजिंग भी सेम है, दाम भी सेम है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो है एक के साथ एडाप्टर आता है और एक के साथ नहीं आता है। तो आप कौन सा लेंगे? जरूर आपको एडाप्टर वाला ही लेना है, लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कौन सा एडाप्टर वाला है? नहीं ना। इसीलिए खरीदते समय ध्यान रखें। इनमें से एक मैंने खरीदा है अमेजोन से और एक खरीदा है onlinebazaar.com से। लेकिन जो मैंने अमेजोन से खरीदा था उसमें एडाप्टर नहीं मिला, लेकिन जो ऑनलाइन बाजार से खरीदा उसमें अडाप्टर मिला। तो ये जो onlinebazaar.com वेबसाइट है, ये ट्रस्टेबल वेबसाइट है, जो दिखाता है वही सेल करता है, लेकिन अमेजोन पे मुझे नहीं मिला, लेकिन दाम बराबर था। तो वो तो हो गया दाम का बात, लेकिन उससे भी जरूरी है ये जो वेट स्केल है ये पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। और मेरा मानिए ये दोनों ही बहुत ही एक्यूरेट मशीन है, और उसका प्रूफ मैं अभी आपको देने वाला हूँ। उससे पहले चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये रहा बॉक्स, तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इसको खरीदा है ऑनलाइन बाजार से, और उनका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स अच्छे से पैकेट हुआ है। अभी इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, अच्छे से बबल रैप में पैकेजिंग किया है, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे अगर गिर जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया बॉक्स। ऊपर में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल, यहाँ पे आप फ्रूट वेजिटेबल वगैरह आप वेट कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया है। तो ये हो गया बॉक्स का ऊपर का हिस्सा। देखते हैं पीछे क्या है। पीछे फीचर्स लिखा हुआ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे दिखाया है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये किचन पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ पे यूज़ होता है, लेबोरेटरीज़ में और ऑफिसेस में, मतलब इसका यूज़ हर जगह होता है। और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक किचन स्किल। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो खुल गया। तो सबसे पहले मुझे मिला है ये देखिए, ये सबसे बढ़िया बात, एक एडाप्टर मिला है। जो मैंने पहले खरीदा था उसमें एडाप्टर नहीं मिला था, लेकिन इसमें एडाप्टर मिल रहा है। और उसके बाद ये हो गया एक्चुअल प्रोडक्ट, और नीचे ये यूजर मैनुअल। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें भी बबल रैप है, ये भी अच्छा बात है। ऊपर में यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव पॉलिथीन है, इसको निकाल लेता हूँ। आप इसको रख भी सकते हैं। तो ये देखिए और भी शाइनी हो गया। तो ये हो गया ऊपर का हिस्सा, आपको यहाँ पे वेट रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक LCD स्क्रीन मिल रहा है बड़ा सा, और यहाँ पे बटन से जो मैं आपको दिखाऊंगा क्या काम करता है। और इसका मॉडल नेम है SF400A, और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल। तो इसके पीछे देखते हैं, पीछे लिखा है डिजिटल स्केल और कुछ फीचर्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे चाहिए 1.5 वोल्ट का 2AA बैटरी। तो देखते हैं इसके अंदर बैटरी है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे 2 बैटरी मिला है फ्री में, ये भी मुझे अच्छा लगा, आपको अलग से बैटरी खरीदने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखा है ये मैक्सिमम 10 kg और मिनिमम 1 ग्राम तक ये वेट कर सकता है। इसका और एक खास बात है, आपको यहाँ पे बैटरी नहीं चाहिए क्योंकि साथ में एक एडाप्टर मिला है। यहाँ पे वेट स्केल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एडाप्टर का पॉइंट है, यहाँ पे एडाप्टर को लगाना है। तो डाल दिया। तो अभी मैं एडाप्टर को लगा रहा हूँ पावर सॉकेट में। तो मैंने लगा दिया है और ये देखिए ऑन हो गया। और इसके पीछे देखिए बैटरी नहीं है यहाँ पे, और ये चल रहा है अभी पावर से। तो इसको ऑफ करते हैं और दूसरे में लगा के देखते हैं। तो दूसरा में लगा रहा हूँ मैं, देखिए दूसरा वाला ऑन हो गया है, और इसके पीछे भी आप देखिए बैटरी नहीं है। तो ये एडाप्टर वाला चीज़ बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आपको बैटरी खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं एडाप्टर को निकाल रहा हूँ और फिर से इसमें बैटरी को लगाने वाला हूँ। तो एक में लग गया है बैटरी, और बैटरी लगाने से ही ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो दोनों में बैटरी लग गया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या फंक्शन है। इसमें आपको ये पहला वाला ऑन ऑफ स्विच मिलेगा,
इसको दबाने से ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। तो ऑन करते ही ये जीरो हो गया, जीरो ग्राम दिखा रहा है क्योंकि ऊपर में अभी कुछ नहीं है। तो उसके बाद ये हो गया मोड, ये दबाने से आप ग्राम, पाउंड और केजी में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये है टेयर, टेयर मतलब आप अगर ऊपर में कोई प्लेट रखेंगे, जैसे कि अभी मैं एक प्लेट दे रहा हूँ ऊपर में, तो प्लेट का वजन आ गया है 154 ग्राम। तो टेयर दबाने से आप क्या कर सकते हैं, इस प्लेट को आप माइनस कर सकते हैं, जीरो हो जाएगा इसको दबाने से। तो देखिए जीरो हो गया है। अभी अगर आप ऊपर में टोमेटो को रखेंगे तो टोमेटो का ही वजन आएगा, प्लेट का नहीं। तो ये होता है टेयर फंक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे ये लाइट ऑफ ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, ये दबाने से लाइट ऑफ हो जाएगा और आपका बैटरी का बचत होगा। अभी फिलहाल ये बैटरी में चल रहा है और आप ये ऑफ ऑन कर सकते हैं। दिन में वैसे ज़रूरत नहीं है, रात को आप ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये PCS है, आप इससे प्रोडक्ट को प्लस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कितना एक्यूरेट है। तो अभी इसमें मैं कुछ ऐसे चीज़ों का वजन मापने वाला हूँ जिसका वजन लिखा हो, जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट, ये है 60 ग्राम का पैकेट। तो अभी मैं डालने वाला हूँ। तो पहला वाला मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए 60 ग्राम दिखा दिया है। और दूसरा मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए 60 ग्राम दिखा दिया है, मतलब ये दोनों ही पूरा एक्यूरेट है। लेकिन एक से नहीं होगा, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ अलग अलग पैकेट का वजन माप के। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स है जिसमें वजन लिखा है, जैसे कि ये है हल्दी का पैकेट, यहाँ पे देखिए वजन लिखा है 100 ग्राम का। तो इसको अभी वजन करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिखा दिया है 104 ग्राम। ये 104 ग्राम इसलिए है क्योंकि 4 ग्राम जो है इसका पैकेट का वजन है और अंदर में हल्दी 100 ग्राम ही है। तो घबराने का जरूरत नहीं है, ये एक्यूरेट है। उसके बाद ये हो गया मिल्क पाउडर, यहाँ पे वजन है देखिए 200 ग्राम। तो इसको डाल रहा हूँ मैं, देखिए 227 ग्राम है, इसका पैकेट का वजन दिखाता है ऐसा है। उसके बाद हो गया वर्मीकम्पोस्ट 180 ग्राम का, 188 दिख रहा है, ये पॉलीथीन का वेट 8 ग्राम का एक्स्ट्रा। उसके बाद ये हो गया 500 ग्राम का पैकेट, यहाँ पे देख सकते हैं 500 ग्राम, इसको डाल रहा हूँ 511, पैकेट का वजन 11 ग्राम। उसके बाद ये लास्ट वाला, इसका वजन है 500 ग्राम, इसको डाल रहा हूँ 511, मतलब एक्यूरेट है, ओनली पैकेट का वजन अलग से दिखाता है। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये टी पत्ता का खाली पैकेट, तो इसका वजन करके देखते हैं। तो देखिए इसका वजन है 11 ग्राम का और फुल पैकेट का निकला था 511 ग्राम, मतलब पैकेट का वजन है 11 ग्राम का। तो मतलब ये मशीन पूरा एक्यूरेट है। तो फिर से मैं दोनों में टेस्ट कर रहा हूँ, एक हाफ के जी का पैकेट 511, इसके बाद यह हो गया 180 ग्राम का 188, इसके बाद ये हो गया 200 ग्राम का 227, इसके बाद ये 100 ग्राम का पैकेट 104, तो मतलब ये दोनों ही एक्यूरेट काम करता है, दोनों ही सेम मेजरमेंट देता है। तो ये एक अच्छा डिजिटल वेट स्केल है फॉर किचन। तो ये जो डिजिटल वेट स्केल है ये किचन के लिए बहुत ही जरूरी है। आप अगर रेसिपी बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स को मापने के लिए ये आपके किचन पे होना ही चाहिए। किचन के अलावा ये इंडस्ट्रीज पे भी यूज होता है, लेबोरेटरीज में भी यूज होता है और ऑफिसेस में भी यूज कर सकते हैं, वेयरहाउस में भी इसे यूज किया जाता है। तो ये एकदम सस्ता प्रोडक्ट है लेकिन इसका काम बहुत है। और अगर आपका दुकान है तो ये आपको लेना ही चाहिए। वैसे दुकानदार क्या करते हैं, जो कीमती वाला बड़ा वाला मशीन होता है वो लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये सस्ता है, ये खराब हो जाएगा या ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये एक्यूरेट है और ये सस्ता है लेकिन ये टिकाऊ है, ये काफ़ी दिन चलता है। मैंने जब से खरीदा है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिला है, ये मैंने पहले खरीदा था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। और इसका एक खासियत है, ये ऊपर का जो ये ट्रे है ये स्क्वायर शेप में है और एक मिलता है जो गोल है, लेकिन अगर गोल लेंगे तो इसमें सरफेस एरिया कम हो जाएगा। आप हमेशा इसी को ही लीजिए, ये बड़ा है ट्रे ऊपर वाला। तो अभी आपको विश्वास हो गया होगा कि ये दोनों बहुत ही एक्यूरेट डिजिटल वेट स्केल है, तो इसको आप खरीद सकते हैं।
लेकिन खरीदने के टाइम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अगर आप खरीद लेंगे तो आपको शायद अडैप्टर नहीं मिलेगा साथ में और बाद में आपको अलग से अडैप्टर खरीदना पड़ेगा। तो जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वहीं से खरीदे, तभी आपको इसके साथ अडैप्टर भी मिलेगा। मैंने साथ ही onlinebazaar.com का भी लिंक दिया है, वहीं से भी आप खरीद सकते हैं। डरने का जरूरत नहीं है, वो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है। मैं वहां से भी प्रोडक्ट परचेस करता हूं, जैसे कि ये किया। और साथ ही अगर आप उनसे खरीदेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। आप कोई भी बैंक का कार्ड यूज कर सकते हैं, आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी एक अच्छा बात है। तो अभी बात कर लेते हैं इस गिव अवे का। तो ये दो प्रोडक्ट मैं आप में से किसी दो को देने वाला हूँ। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, साथ ही आपको एक कमेंट करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। तो ये है पहला टर्म्स एंड कंडीशन। और दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो है, इस वीडियो को एक महीने में 30,000 व्यू मिलना चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जल्दी से 30,000 व्यूज मिल जाए। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काम कर रहा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।